ये लीजिए बापू रोटी। ए भिंडी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि रोटी तू ना पकाया कर। अब तुम्हें बड़ी हो गई बापू, माँ होती तो कभी ना पकाती। वो बड़ी हो गई है। लोग ये दुआ मांगते हैं कि बेटियां छोटी रहें, मगर मैं ये दुआ मांगता हूँ कि तू बहुत जल्द बड़ी हो जाए। चल भाग, साहब आने वाले हैं, चल भाग जा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। आइए 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 आइए। एसपी साहब के घर जाना है। अच्छा मैम साहब। हाँ जी थे, तुम्हें सेवैया खिलाएंगे। हाँ जी, हम तो शीरखुरमा भी खाएंगे। और सुनील कहाँ है? और भिंडी? अरे वो होंगे अपनी सीट पर। हरीश, ईद मुबारक हो। खा साहब ईद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। ईद मुबारक भाई साहब। ईद मुबारक अंकल। भाभी जान, आपने आने में बहुत देर कर दी, जल्दी जाइए, सेवैया ठंडी हो रही है। सेवैया खाने ही तो आए हैं। ईद मुबारक साहब। ईद मुबारक हो भाई, तुम्हारा भी शीर खोरमा तैयार है, जल्दी जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। ईद का तोहफा कबूल फरमाइए खान साहब। इसे मैं अपने सीने से लगा के रखूं। शुक्रिया। लेकिन हुजूर, आज अभी वर्दी में कैसे? बड़ी पक्की खबर मिली है कि आज दमन बीच पर जो माल उतर रहा है वो उसी स्मगलर का है जिसके पीछे हम बरसों से लगे हुए। यू मीन टू से दैट जनरल? वो बच कर निकलना जाए, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। वो जरूर पकड़ा जाएगा हुजूर, और ये काम मैं करूंगा। लेकिन 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 कुछ नहीं हुजूर, हमने हमेशा आपका हुक्म माना है, आज आप हमारी जिद पूरी करेंगे। बट हरीश, इस ड्यूटी पर मैं जाऊंगा और आप घर पर बैठ के ईद मनाएंगे। लेकिन हरीश, अबाउट टर्न सर। कपकपना बिस्किट्स कहाँ जाएंगे? आर्थर रोड। किसके पास? अहमद। टेप रिकॉर्डर्स? बोईवाड़ा। किसके पास? रमनिक लाल। खड़िया? कालबा देवी। किसके पास? शांतिलाल शाह। एड्रेस? जनरल, सब कुछ इस डायरी में लिखा है। Oh, my little red book. Very fit. You're very good. Very nice. कोशिश मत करना वरना मैं गोली चला दूंगा। गोली आग को छूकर निकल गई। आग तो चली गई, मगर शुक्र है कि जान बच गई। अबे जान कहाँ बची? डॉक्टर, एक पुलिस मैन मारा गया और मेरी लाल डायरी पुलिस ऑफिसर के हाथ में है, जो हम सबके लिए फांसी का फंदा है। कैसे लोग हैं, एक्सीडेंट के बाद अस्पताल भी नहीं ले जाते हैं। अरे भाई, ए भाई। ये डायरी अलमारी में रख दो। क्या है इस डायरी में? इसमें हमारी 2 साल की मेहनत है। इस इलाके के हर स्मगलर का नाम और पता इसमें है। तब तो दफ्तर जाने तक मैं इसे सेफ में रख देती हूँ। हाँ रख दो। वैसे तो पिछले 2 घंटों में मुझे इस डायरी का हर नाम और पता जबानी याद हो चुका है, लेकिन फिर भी कोर्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं पुलिस स्टेशन जाते वक्त लेता जाऊंगा। रिवॉल्वर बाहर निकाला तो भून के रख दूंगा। लाओ मेरी डायरी। डायरी? कौन सी डायरी? याददाश्त काफी कमजोर वाली होती है आपकी, वही जो बीच पे मिली। मेरे पास कोई डायरी नहीं है। इस बैग में 1,00,000 रुपए है, ले लो और डायरी लौटा दो। मंजूर है? बिल्कुल नहीं। भलाई इसी में है, रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। डॉक्टर,
Telephone, please, telephone. बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आइए तशरीफ लाइए, थोड़ा लाउड कर लो। डैडी, डैडी। हाँ बेटे, तुम कहाँ से बोल रहे हो? डैडी, ये लोग हमें जबरदस्ती यहाँ उठा लाए हैं। घबराने की कोई बात। डैडी, क्या हुआ फोन को? अबे ला, हो गई डैडी से बात। डैडी तुम्हारे पास और बच्चे हमारे पास, अब फरमाइए आपका क्या प्रोग्राम है? कमला, डैडी से दे दो। अकलमंद जुग जुग जुग। कमला, चालाक हो, ईमानदार हो और तुम्हारी याददाश्त भी बहुत अच्छी है, इसलिए तुमने इस डायरी में से नाम और पते जरूर नोट कर लिए होंगे यहाँ पर। अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेनी होगी, तो प्लीज गो बैक टू योर प्लेस। बंद। यस, मैं करीम बोल रहा हूँ। फैसला हुआ है कि उन बच्चों को भी खत्म कर दो, वो हमें कभी भी पहचान सकते हैं। मुझे डर लगता है अंकल। हाँ बेटे, तुझे डैडी मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज से मैं तेरा डैडी हूँ। कितने जालिम थे गुंडे, इंस्पेक्टर के घर को भी आग लगा दी। बड़ा जुल्म हुआ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब भी मारे गए और उनकी पत्नी की जान भी खतरे में है। तुम्हारे माँ बाप हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? हाँ। अंकल, मेरे भाई को बचा लीजिए। कहाँ तुम्हारा भाई? चलिए मेरे साथ। उन लोगों ने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे, साहब मुझे कुछ सुंगा दिया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर इतने सारे रुपए तुम्हारे क्वार्टर से कैसे मिले? मेरे क्वार्टर? जिन लोगों ने तुम्हारी बिन माँ की बच्ची को अपनी औलाद की तरह समझा, तुमने उन्हीं के बच्चों को गुंडों के हवाले कर दिया। इसे बंद कर दो। मगर साहब, मेरा कसूर? इंसान पैसे के लिए कितना गिर सकता है? लड़का हमें यहाँ ले आया है, लेकिन उन गुंडों को कोई पता नहीं चला। ए, देखो 24 घंटे की निगरानी रखी जाए और फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लो। यस सर। इंस्पेक्टर की पत्नी को रिवॉल्वर की मार यहीं लगी है और यही वो नस है जो आंखों को रोशनी देती है, यही नस फट चुकी है। कोई चांस? चांस तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। पुलिस ने काम करने वाले दूसरे मुलाजमों को आगाह करने के लिए, ताकि आइंदा पुलिस का कोई आदमी ऐसी हरकत ना करे, मैं मुजरिम बंगल को 10 साल कैद बमशक्कत की सजा देता हूँ। मैं बेगुनाह हूँ। जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बेटी, मैं तो तुझे गले नहीं लगा सकता, पर तू मुझे अपने गले लगा ले। नहीं, तुम मेरे बापू नहीं हो, तुम चोर हो। जो तुमने किया उसके लिए बेबी जी कितना रोती है। बेटी, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अगर ये सब झूठ है तो अपने घर में इतने सारे पैसे कहाँ से आए बापू, कहाँ से आए? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? देख तो, तुम मेरे बापू नहीं हो, तुम चोर हो, चोर हो, चोर। बिना बिना मां।
मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? मुझे रोकने से क्या होगा? आप उन खूनियों को रोकिए जिनके हाथों आज फिर एक पुलिस अफसर की जान गई, एक औरत विधवा हुई, एक बच्चा अनाथ हुआ, मेरी तरह। हम अभी मजबूर हैं सुनील, हमने कई स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये लोग, ये गैंग हमेशा कानून की जद से बचकर निकल गए। मत लीजिए कानून का नाम। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं सुनील। कानून के हाथ पहुंचने तक कई मासूम इंसानों का खून बह जाएगा। अंकल, मैं और सिर्फ मैं ही ये खून खराबा रोक सकता हूं, क्योंकि आपने मुझे खुफिया पुलिस की ट्रेनिंग दिलवाई है। यहां तक कि आपके महकमे वाले भी नहीं जानते कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं। मेरी मां तक नहीं जानती कि मैं सीआईडी का ऑफिसर हूं। अंकल, आप मुझे ये काम क्यों नहीं सौंपते? अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, ये केस किसी और ऑफिसर को दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इस केस के लिए एक तजर्बाकार ऑफिसर की जरूरत है। अंकल, आपके पास मेरे पिताजी का दिया हुआ तावीज है, इसे तो मैं हमेशा अपने सीने से लगाए रखता हूं। अंकल, आपके हाथ में ये तावीज है, अब आप सच सच बताइए कि आप मुझे इस केस से दूर क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए ना कि जिस पुलिस ऑफिसर को भी ये केस मिला है वो मारा गया है, और आपको डर है कि कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। बोलिए अंकल। सुनील, मालूम होता है तुम्हारी पुलिस की ट्रेनिंग अभी तक अधूरी है। इस तरह भड़क उठना पुलिस के असूलों के खिलाफ। सही पुलिस ऑफिसर वो है जो अपने दिल की बात अपने चेहरे पे नहीं लाता। आई एम सॉरी सर। बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी मां को क्या जवाब दूंगा? एक दिन उसका पति मारा गया, वो खामोश रही। उसका बेटा उसे छीन लिया गया, वो चुप रही। वो एक पुलिस ऑफिसर की बेवा है, वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी। तुम्हारा प्लान क्या है? लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। उन शैतानों तक पहुंचने के लिए मैं भी शैतान बनूंगा। मैं अपना एक गैंग बनाऊंगा और हम वही सब कुछ करेंगे जो ये लोग करते हैं। उनके लिए नहले पे दहला बन जाएंगे, यहां तक कि तंग आकर या तो वो हमारा मुकाबला करेंगे या हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक शहर में दो बड़े गैंग नहीं रह सकते। या वो हमारे पास आएंगे या हमें अपने पास बुलाएंगे, और उस दिन उनका खात्मा होगा। उन्होंने तुम्हें खत्म कर दिया तो? That is my gamble, sir. इसी दाव पर मैंने अपनी सारी बाजी लगा रखी है। लेकिन तुम गैंग बनाने के लिए बदमाश कहां से लाओगे? सर, हर बदमाश के तीन अड्डे होते हैं, शराब खाना, जुआ खाना और जेल खाना, और मैं इन्हीं जगहों से अपना गैंग बनाऊंगा। जुआ खाने से मुझे याद आया, एक बड़े चालाक गैम्बलर का केस आज ही मेरे पास आया है। ये लो उसकी फाइल, शायद तुम्हारे काम आए। अच्छा अच्छा, इसलिए हमारी याद आई। कोई बात नहीं, हम उस पार्सल को तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। रहीम, अपना तो हो गया दीपा। बाथरूम 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 में जाओ। आइए अब्बा, आइए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं अब्बा, बस यूं ही जरा एक चिट्ठी लिख रहा था। सुना है तुम्हारे क्लब पर पुलिस ने रेड किया है? क्लब पे तो रेड पड़ती रहती है अब्बा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? लेकिन बेटे, तुम्हें किस बात की कमी है कि तुम जुआ खाने में जाते हो? अगर किसी दिन पुलिस के हाथ आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस से तो वो डरता है जो गलत काम करता हो, मैं तो बस यूं ही जरा टाइम पास कर लेता हूं। हर काम जरा तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे बढ़े तो गए काम से। Thank you.
का फरिश्ता। ए, बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम। मैंने तुम्हें इन गुंडों से बचाया और तुम मुझे। मैडम लगता है एक महीने के लिए ट्रेनिंग बंद करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग? हाँ यू डम गाय, हम जूडो इंस्ट्रक्टर है, लड़की लोग को अपना बचाव करना सिखाता है। मैडम हम लोग जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकता है। क्लास डिसमिस्ड। अरे लगता है पहले कभी तुम छोकरी नहीं देखा। छोकरी तो बहुत देखा है लेकिन तुम्हारे जैसा छोकरी नहीं देखा। अरे मैन तुम तो हीरोइन बन सकता है, हंटर वाली, चाबक वाली, साइकिल वाली। अरे साला हीरोइन लोग तो सब डुप्लीकेट से काम लेता है, हम तो डायरेक्ट टिश्यू एक मारता है। तुमको मारेगा ना सीधा उधर जाके बैठेगा। गुड 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 फुट फुट फुट। अरे यार तुम फुटने का क्या लेगा? हाँ कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ इस महंगाई के जमाने में सिर्फ एक क्लास चला के तुम्हारा गुजारा कैसे चलता होगा? अरे चलाना पड़ता है मैन, आजकल घी सीधी उंगली से तो निकलता नहीं है, टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है ऐसे। गुड गुड, लेकिन ये खाली है, तुम जैसे अनाड़ियों के लिए रखा है। असली माल तो इधर है बेबी। असली है? ये भी असली, हम भी असली और तुम भी असली। बस पार्टनर बन जाओ, इस माल को भी दुगना कर देंगे। दुगना? हाँ। अरे यार तुम जितना हाथ पैर का फास्ट है ना, लगता है भेजे का उतना ही स्लो है। हमको एक डबल वाला बाप पहले बोलता था तो हम अभी तक तुम्हारा गाड़ी में नहीं बैठा होता। हाँ अब कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 3 सेकंड। मेरे गैंग का पहला साथी। एक और समझ गया। Thank you. Johnny darling, ekka chauka panja. नहले पे दहला और दहले पे गुलाम, लेकिन एक नहीं दो। नहला दहला बेगम कलर शो अट्ठी नहला दहला। अरे पार्टनर लगता है तुम्हारे लिए पनौती बन गया, इधर इच खड़ा रहेगा तो तुम हारता जाएगा, हम चलता है। पार्टनर जुए में हारेंगे तो मोहब्बत में जीतेंगे, अगर तुम गए तो हम गए। अच्छा पार्टनर फिर हम उधर नहीं इधर खड़ा रहता है, थोड़ा टेंशन करता है, तुम खेलो चलो। इडियट स्टूपिड। सॉरी डार्लिंग तुम नहीं, वो बेवकूफ लड़की सामने है, मैं पत्ते नहीं देख सकती। कलर बेगम का। मैडम आपका फोन है, आपका फोन है मैडम। हमारा फोन? हमारा फोन इधर कैसे आने को सकता? मैं सुन लीजिए मालूम हो जाएगा। तुम रिंकू हो या टिंकू लेकिन हो बड़ी खूबसूरत। ए कौन है तुम? खाली पीली कहीं को मस्करी करते हैं? हाँ बोलो।
मस्करी नहीं मेरी जान, सच कह रही। ये लंबी लंबी टांगे, हिरनी जैसी तो खूबसूरत आंखें, जान जैसा चेहरा। यार तुम टेलीफोन करता है या टेलीविजन देखता है? हाँ सात आठ लो। मैं तुम बोलना कहीं को मत कर दिया। कौन है तुम? तुम्हारी चाहने वाली जानेमन। चाहने वाली कि चाहने वाला? चाहने वाली स्वीट पाई। ए भाई इधर सब लोग बरोबर है ना? व्हाट देखिए चौगी पंजी स्ट्रेट। अरे यार बात में तुम ठीक है जी बोला। जब से हमारा तुम्हारा मुलाकात हुआ हमारा भाव भी बढ़ गया। पहले जो बात हमको छोकरा लोग बोलता था ना, अभी छोकरी लोग भी बोलने को शुरू किया। अभी अभी टेलीफोन पे हमको एक छोकरी बोला कि हमारा चेहरा मून का माफिक है। अरे पार्टनर तुम मून का बात करता है, हम जमीन के अंदर चला गया 3.5 फुट। बाप रे बच गया, 2.5 फुट और जाता ना तो अनारकली बन जाता। अरे वाह मेरे सलीम, चला बैठ और अपनी अनारकली की मदद कर। हाँ जरा दो चार हाथ हो जाए इनसे। यस पार्टनर। क्यों साहब आपको कोई इतराज तो नहीं? थैंक यू। अगर आप जीतेंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर हार जाएंगी तो बेहोश तो नहीं होगी? जिसका माल है बेहोश होएगा। अपन काय को तुम डील करो। थैंक यू। चीयर्स। मेरा नाम केशव और मैं इस कैसिनो का मालिक हूँ। आई से चूंकि आप पहली बार तशरीफ लाए हैं इसलिए आप मेरे मेहमान। कहिए साहब ये कैसिनो कैसा लगा? वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे भी इस कैसिनो पर बड़ा नाज है। लोग कहते हैं कि जुआ खेलना बुरा है, मगर जिंदगी खुद एक जुआ है तो फिर जुआ खेलना बुरा कैसे हो सकता है? मगर एक शर्त है, जो भी काम कीजिए ईमानदारी से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी। अरे तुम हमारा थोबड़ा क्या देखता है? डील करो ना। आज से तुम इन आंखों से वही देखोगे जो हम देखना चाहते हैं, इन गुलाब की पंखड़ियों से वही कहोगी जो हम कहना चाहते हैं। उसी अंदाज से कहो तो तहले। जॉनी डार्लिंग दो तहले। दो हजार, 5,000। शो नहले पे नहला पे नहला। ठहरो मिस्टर, तहले पे दहले पे दहला। माय मनी। सॉरी मैडम वक्त हो गया है, मुझे जाना है। कहाँ चल दिए हुजूर, खेल तो अब शुरू हुआ है। जुए खाने से सिर्फ वही जा सकता है जो उधर का सारा माल इधर कर दे और इधर का सारा माल उधर। क्या कोई जबरदस्ती है? जुए के उसूल हैं। ये उसूल यहां नहीं चलेंगे। बेईमानी चलेगी। कैसी बेईमानी? बनने की कोशिश ना करो, अब तो तुम्हारी किस्मत भी हमारे पास है। क्या बात है साहब? ओ आइए आइए, इनसे मिलिए। ये है आपकी मिस ईमानदारी, मिस ऑनेस्टी। मिस्टर केशव
ये इस तस्वीर में बनी आंखों से लोगों के पत्ते देखा करती हैं और अपने मिस्टर ऑनेस्ट को बताया करती हैं। तनख्वाह ये आपसे लेती हैं, काम मिस्टर ऑनेस्ट का करती हैं और माल दुनिया का लूटती हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। इसलिए तुम हमारे कैसिनो से अभी चले जाओ, फौरन इसी वक्त जाओ। मुझको नहीं मालूम था कि तुम इस गुंडे गैंबलर से मिली हुई हो। यहाँ तक यहाँ फसाद नहीं चलेगा। बात है लौंडे में। माल माल को लेके जा रहा है। अरे यार, हम तो तुम इसको ढूंढता था, ये लो। आगरे हो? आगे रहा, पुलिस आ रही है, फिर मिलेंगे। किधर से आया मैन? खिड़की से पाटना, ठंडी हवा के झोंके के साथ। काय को? माल लेने। कौन सा माल? वही जो तुम क्लब से लेके भागाई। तुम हमारा हाथ छोड़ो नहीं तो हम शोर मचाएंगे। हम तुम्हारा हाथ छोड़ देता है लेकिन तुम शोर नहीं मचाएगा, समझी? ये लो। चलो माल निकालो। पब्लिक का माल था, जो ले गया वो खा गया, तुमको क्या करना है? कोई खाने देगा तब ना, अभी तो माल पक रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुर्गियां अंडे सेकती हैं, तुम माल सेक रही हो। चलो उठो यहाँ से। नहीं उठेगा। नहीं उठेगा। चुआ। थैंक यू पार्टनर, थैंक यू। आ गया, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। तूने मुझे इतना परेशान किया है, ना दिन देखता है ना रात, ये कोई घर आने का वक्त है? बता, आज तो मैं तुझे सीधा करके रखूं। माँ जी, मैं आपका बेटा नहीं, उसका दोस्त हूँ। क्या कहा? जी हाँ, मैं आपका बेटा नहीं, रहीम हूँ। माफ कर देना बेटे, मैं समझी मेरा बेटा आ गया। वही काट, वही कत। तू अंदर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आ, आ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तेरा दोस्त आया है। ओ, तुम? ऑफिस से अचानक चले आए इसलिए सोचा घर पे मिल लूं। कागजात लेने आए हो? जी हाँ। वो तो मेरा पार्टनर ले गया। कोई बात नहीं, कागजात तो कल मिल जाएंगे, सौदा तय कर लें। सौदा? तुम दोनों मिलकर काम भी करते हो? हाँ माँ, कुछ ऐसा ही है। तुम आराम करो, मैं इसे सौदा तय कर लूँ। आओ मेरे साथ, आओ।
माल कहाँ है? जहां होना चाहिए, मेरी तिजोरी में। मैं हर तिजोरी को बिना चाबी के खोलना जानता हूं। अपनी उंगलियों से तिजोरी तो खोल लोगे, लेकिन माल संभालने के लिए बाजुओं में दम चाहिए। आजमाना चाहते हो? यहां नहीं, कल 2 बजे मद आइलैंड। मंजूर? मंजूर। इसे गैंग का दूसरा साथी बनाने के लिए आजमाना पड़ेगा। पहले हिसाब तो कर लो। कैसा हिसाब? इस बैग में माल हम दोनों का है, आधा तेरा आधा मेरा। मैं जुए की कमाई पे टैक्स नहीं देता। पहले कमा तो लो, फिर टैक्स बचाने की फिक्र करना। जीता तुम बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। और मैं तुमसे। तो फिर फैसला कैसे होगा? तुम पे छोड़ा। पहले तारुफ तो हो जाए। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? राम। और तुम्हारा? रहीम। बहुत खूब, राम और रहीम मिल जाएं तो सारी दुनिया पे छा जाएं। तो मिलाओ हाथ। हर कोई दोस्त नहीं हाथ मिलाने वाला, समझे?
करती हो? क्या नहीं करता हम? ये वो सब कुछ। इस वक्त क्या करके आ रही हो? अभी अभी तो हम मॉडलिंग करके आया। वो तो तुम्हारा मेकअप से दिखाई देता है। थैंक यू। एमन, तुम्हारा खटारा इधर रोको, हमको इधर उतरने का है। यहाँ उतरेगा? अच्छी बात है, वेरी गुड, यहाँ उतरो। ओम एम साहब, मेरा कार्ड लेती जाओ, शायद हम तुम्हारे किसी काम आ सके। अरे मेरा पर्स। तुम ये ढूंढ रहे हैं? ओह वंडरफुल वंडरफुल, वाकई तुम सब कुछ कर सकता है, ये लो। थैंक यू, बाय, सी यू, बाय। मेरे में तेला, तुम्हें सारा माल किधर गया? पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? तुम? जी। तुम फिर इधर आ गया? बुलाओ पुलिस को। पुलिस को नहीं, पंडित को, काजी को, पादरी को। हुँ? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम हमसे शादी बनाएगा? बिल्कुल बनाना मानता। लोग अपनी दुल्हन की सेज फूलों से सजाते हैं और हमने नोटों से सजा दी। अब भी यकीन नहीं आता? उल्लू तो नहीं बना था। अगर किसी को दुल्हन बनाना उल्लू बनाना है तो ऐसा ही समझ लो। यार मस्ती छोड़ो ना, तुम सच सच बताओ हमसे शादी क्यों करना मांगता है? देखो तू भी चोर, मैं भी चोर, दोनों मिलकर 12 बच्चे पैदा करेंगे। 12? हाँ, चीपर बाय द डजन। कोई गिराकट होगा, कोई चोर होगा, कोई उचक्का होगा, कोई डाकू होगा, और ये सब मिलकर हमको मालामाल कर देंगे। सच? हाँ, और जानती है ऐसे माल पे इनकम टैक्स भी नहीं लगता। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर बाद में 6 बच्चों से काम नहीं चलेगा? काम तो चलेगा, लेकिन बेचारों को ओवर टाइम करना पड़ेगा, इसलिए 1 डजन ही रहने दो। अच्छा, मंजूर है? डन, हाँ हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ
मैं चोरों की रानी हूँ और चोरों के राजा हूँ। बोले पायल की चुम चुम अच्छे मिले दिया हमको हाँ हमको हाँ हमको हाँ हमको। लड़का तो बाद में होगा मेरी जान, पहले ये बताओ कि वो दाढ़ी वाला कौन था। कौन दाढ़ी वाला? वही जिसकी गाड़ी में बैठकर तुम भाग गई। तुमको क्या मालूम, कोई ठरकी था, छोकरी लोग को पटाने के लिए कार्ड बांटता था। अपना अपना अंदाज है पार्टनर, हमने तो तुम्हें बगैर कार्ड के ही पटा लिया साला। तुमको भी काट दिया उसने। काट दिया और बोला जब माल मांगता है तो कार्ड के ठिकाने पर आ जाना। गुड, वेरी गुड। अच्छा पार्टनर, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत बहुत बहुत। अरे यार, हम तो तुम्हारे लिए जान दे भी सकता और जान ले भी सकता, मालूम? इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मेरा एक छोटा सा काम है। बोलो ना, हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते। मुझे उस दाढ़ी वाले से काम है, तुम उसे अपनी जुल्फों के जाल में बांध कर मेरे पास ले आओ। आप किससे मिलना चाहते हो? कार्ड का जरूरत ना है, हमको मालूम था तुम इधर आएगा। लेकिन तुमको कैसा मालूम कि हम इधर आएगा? वो कार वाला, दाढ़ी वाला, कान, हमको सब कुछ बताया। पर तुम भी तो अभी जरा हमको बताओ कि हमको इधर में क्या करना मांगता। इधर ना है, उधर बेबी। उधर? पर किधर? ज्वेलरी फैशन शो में पुतर, तुम हमारा सबसे बेस्ट मॉडल होगा। हाँ, पर हम तो कोई ऐसा कॉस्ट्यूम लाया ही नहीं अपने साथ में, अभी क्या करेंगे? नहीं लाया? कोई बात नहीं, डोंट वरी, हमारे पास बहुत कॉस्ट्यूम है। हाँ? Yes, come and choose. Beautiful. You like it? लेकिन बेबी, तुम वो ड्रेस पहनना जिसपे तुम्हारे जमाल का कमाल दिखाई दे। अच्छा, अभी तुम इधर से फुटो, हम बदली करता कपड़ा। हम फुटो? जाओ ना। ये लो, ये कॉकरोच नहीं, इसमें माइक्रोफोन है, ये लो संभाल के। संभाल के,
May I come in? No, 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 no. Wait. हम बोले ना हम ready नहीं हैं. लेकिन क्यों ready नहीं? बिल्कुल ready. देखो, you'll get into trouble. Red lipstick. I'm telling you. Red scarf. Red dress. Mm-hmm. I'm seeing red. सब लाल लाल दिखता है. Poor chap. Uh-huh. Very good, baby. Very good. अब तुम हमको संभालेगा और हम तुमको संभालेगा. Thank you, साहिबा. Baby, संडे को हमारा फैशन शो है. तब तक तुम इसी होटल में रहेगा, स्वीट नंबर 666. Good. Very good. Very good. साहब, ये लड़की आज ही आई है और आपने उसे इतना बड़ा काम दे दिया. कहीं धोखा दे गई तो? इडियट, जिंदा रहेगी तो धोखा देगी ना. ठीक 10 बजे फैशन शो के हॉल का मेन स्विच ऑफ कर दिया जाएगा और 20 मंजिल की खिड़की से इसे नीचे फेंक दिया जाएगा. ये काम तुम करोगे. चीयर्स. राम, तुम्हारा छोकरी का जान खतरे में है. अब तो राम और रहीम दोनों मिल गए हैं. अब खतरा किस बात का? चीयर्स बॉयज, चीयर्स. जनरल, हम आपकी डायमंड जुबली मना रहे हैं और इस मौके पर हम आपको 60 लाख के हीरे पेश करेंगे. यस जनरल, अपने बिलेविड जनरल के लिए कैप्टन की तरफ से एक लिटिल प्रेजेंट. 60 लाख ऑफ रुपीस. 7 दरियाओं से हम लाएंगे चुनके मोती, तब कहीं जाके तुम्हें पेश करेंगे तोहफा. और वो तोहफा हमारे फौलादी बाजुओं और रोशन दिमाग का नतीजा होगा. जनरल, कुपगबाना. लेकिन ये सब कैसे होगा? जनरल, बंबई के कुछ मशहूर जौहरी एक एनुअल ज्वेलरी शो कर रहे हैं और सबसे खूबसूरत लड़की को वो 60 लाख रुपए का जेवर पहनाकर स्टेज पर भेज रहे हैं. ठीक 10 बजे लाइट्स ऑफ किया जाएगा, फिर उस ब्यूटी को ब्यूटीफुल डायमंड्स के साथ ब्यूटीफुली 20 माला से नीचे फेंक दिया जाएगा और वो हमारे सामने पेश की जाएगी डायमंड्स के साथ. हाउ नाइस. Thank you.
दे, अगर ऐसे खेल खेलने हैं बेटा तो पहले खिलाड़ी बनो, अनाड़ी नहीं। चल आ जा मेरी बेबी, मेरी पार्टनर, चल आ जा। हमको पौधों से नहीं, हमको फूल से प्यार है, फूल से फूल। Oh my God! Elizabeth Taylor ka little finger mein bada diamond hai. Where is the diamond, you bloody fool? Doctor! Saat darya paar karke saat municipality ke gutter mein se nikal ke laya ye moti dikhane waste hum kahiye. And you? Kya baat hum? Paazuon ki taak, paazuon ki taak, paazuon ki taakat, you bloody donkey! Roshan dimag, understand me? को बकबाला बस्तर 24 घंटे के अंदर अंदर उस टेले के बच्चे को हमारे सामने पेश करो, नहीं तो हम तुम सबको कोर्ट मार्शल कर देंगे। सुनील। यस सर, यह है मेरा उन लोगों पे पहला वार। ये तुम्हारा पहला कारनामा है, मैं तुम्हें इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद मुझे नहीं अंकल, मुबारकबाद इसे दीजिए, मिस्टर कॉकरोच, जिसके अंदर माइक्रोफोन छुपा है। तुमने तो कमाल कर दिया पार्टनर, वाह। कौन है बेटा? कौन आया है बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? पीछे अरे बोल ना, कौन है? मैं हूं बीजी, बीना आपकी भिंडी। भिंडी? मंगल की बेटी? हाँ। दीजी। अरे कितनी बड़ी हो गई है तू? दीजी। कहाँ थे इतने दिन? अरे कहाँ से ढूंढ लाया भिंडी को तू? माँ, मैं इस भिंडी को भिंडी बाजार से लाया। बेटी, तो इतने दिनों कहाँ गुम हो गई थी? तुझे अपने बाप का ध्यान नहीं आया? मेरे बाप का नाम मत लीजिए बीजी। अरे क्या कह रही है तू? वही जो सारी दुनिया कहती है, जिसने पैसों के लिए अपने मालिक के बच्चों को हुंडों के हाथ बेच दिया, जिसके जुर्म की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा बचपन फुटपाथ पर गुजरा, बड़ी हुई तो क्या शरीफ और क्या बदमाश, सभी मेरे पीछे पड़ गए और उनसे बचने के लिए मुझे क्या क्या रूप बदलने पड़े। नहीं बीजी, मैं ऐसे आदमी को अपना बाप नहीं मान सकती। नहीं बेटी, नहीं नहीं, ये पुलिस की भूल थी, मंगल ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था। तूने जो भी कुछ अदालत में सुना ना, वो गलत था। असली बात तो पुलिस को बाद में मालूम हुई थी, इसलिए उसकी सजा माफ कर दी गई थी। ना बेटी, तेरा बाप भी बेगुनाह था और बेगुनाह है। वो बेचारा तो तेरी याद में पागल हो गया है। ले बेटी, थोड़े से चावल खा ले। नहीं खाते? अच्छा, तो फिर ले दूध पी ले थोड़ा। नहीं बेटे, जिद नहीं करते बेटे, देख तू कितनी दुबली हो गई है, तभी तो लोग तुझे भिंडी कहते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी बेटी को क्या हो गया है, ना चावल खाती है ना दूध पीती है। ये दूध कैसे पिएगी मंगल, अब तो मीना बड़ी हो गई है। मेरी बेटी वाकई बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई।
इसके दिल और दिमाग से वो बात अभी तक नहीं निकली जिसकी बेटी ने इसको एक बार चोर कहा था। ना वो बात भूल सका और ना अपनी बेटी को। क्या बात है मंगल, किस सोच में पड़ गए? बाप हूं ना, बेटी जब बड़ी हो जाती है तो बाप सोच में पड़ ही जाता है। डॉक्टर, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बताना, जात पात का ख्याल ना करना। लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरी बेटी की तरह खूबसूरत होना चाहिए। बस ये कौन है? ये भी डॉक्टर है। डॉक्टर, ये लड़का कैसा है? अच्छा है, शरीफ है। बहुत शरीफ है। पढ़ा लिखा है? हाँ हाँ। एक रुपया है तुम्हारे पास? ये लो। सुना, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? हाँ काका, करूंगा। अच्छा, तो फिर ये लो, ये शगुन है, ये शगुन है। मैं बहुत गरीब हूं सिवाय बेटी के। अरे बेटी के पास तो कपड़े ही नहीं है, जेवर भी नहीं है। इसके पास तो शादी का जोड़ा होना चाहिए, शादी का जोड़ा होना चाहिए, जेवर होने चाहिए, शादी का जोड़ा होना चाहिए। बाबू, बाबू। बेटी, बेटी तू क्यों रो रही है? अरे क्या हुआ तेरे बाबू को? कहाँ है तेरा बाबू? तूने बाबू को कुछ कहा था? ए बेटी, तूने बाबू को चोर तो नहीं कहा था? मेरा बाबू चोर नहीं है, मेरा बाबू चोर नहीं है, मेरा बाबू। तो फिर वो वापस आ जाएगा, तेरा बाबू आ जाएगा वापस। हैं, रो नहीं, रो नहीं बेटी, तेरा बाबू वापस आ जाएगा। मिस्टर राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसकी लड़की का यहाँ आना बहुत जरूरी था और आप इन्हें अक्सर यहाँ लाते रहे तो मंगल बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर। गुड लक टू यू। थैंक यू। अब तक मैं इस दुनिया में सिर्फ सांस ले रही थी, आज मुझे जीना आ गया। बरस बरसे
कितने बरस तरसे अब के बरस बरसे अंबर पे बादल धरती पे प्रेमी पागल कितने बरस तरसे तूने अंगड़ाई जो ली तो कलियों को पसीना आ गया है सावन का महीना आ गया चक्कर क्यों लग रहे हैं वो अब्बा जरा 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 ही चकराने देना बड़े बेमरुअत हैं ये हुस्न वाले इनसे दिल लगाने की कोशिश ना करना अब्बा लेकिन मैं जानता हूं तुम अपना कोशिश हमेशा जारी रखोगे लड़कियां ये गाड़ियां करीम यार तुमने लौंडे को ऐसे ढील दे रखी है जैसे कि तुम्हारा अपना ही बेटा बस बंद करो आज ऐसी बात कही दोबारा नहीं करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरे अकड़ते क्यों क्या मैंने झूठ बोला है अगर जनरल को मालूम हो गया कि तुमने उस इंस्पेक्टर के बेटे को मारा नहीं बल्कि अपना बेटा बना लिया है तो उस लड़के के साथ तुम्हें भी गोली से उड़ा देगा और अगर जनरल को ये मालूम हो जाए कि उसका बड़ा भाई तुम्हारे हाथों से बच निकला है तो वो तुम्हें भी गोली से उड़ा देगा यार बिगड़ते क्यों मैं तो मजाक कर रहा ये मजाक नहीं एक ऐसा राज है जो हम तीनों की जान ले सकता है चलो एक अरब आपके दफ्तर में जबरदस्ती घुसना चाहता था कौन है वो अब्दुल्लाह सर बड़ा ही अजीब आदमी इससे नाम पूछो तो कहता है अब्दुल्लाह काम क्या है तो कहता है अब्दुल्लाह आया कहां से है तो कहता है अब्दुल्लाह जाना कहां है तो कहता है अब्दुल्लाह तुम लोग जा सकते हो थैंक यू ऑफिसर अब्दुल्ला अब्दुल्ला सुभान अल्लाह अंकल गुड न्यूज क्या अब मेरा गैंग ऐसा बन गया है कि जो उन सब के लिए नहले पे दहला बनता जा रहा है बहुत खूब
और एक और खुशी की बात है अंकल, वो हमारा पुराना ड्राइवर था ना मंगल, उसकी बेटी मिल गई है। भिंडी? जी हाँ भिंडी, और वो मेरे साथ है, मेरे गैंग में है। गुड, बस एक कमी रह गई है अंकल, मेरे छोटे भाई की। वो मिल जाए तो मेरी हिम्मत दुगनी हो जाए। क्या बात है माजी? कुछ नहीं, जिसे तुम मिलने आया वो घर पे नहीं बेटा। लेकिन आप, हेलो रहीम, कैसी हो माँ? तेरा दोस्त आ गया। हाँ क्या बात है यार, माजी इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं, बचपन में मेरा छोटा भाई खो गया था। जब जब उसकी याद आती है मां रोने लगती है। क्या उसे ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा, कहां कहां नहीं गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तू अपना हिस्सा लेने आया ना? हिस्सा तो मैं कभी भी ले लूंगा, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारी मां का रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ जी, आपको अपना खोया हुआ बेटा चाहिए ना? हाँ बेटा। मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये मेरा ईमान है, आप चलेंगे मेरे साथ? अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। सर झुका कर सच्चे दिल से उनका दामन थाम ले, तेरी सुन लेगा खुदा हाजी अली का नाम ले। सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली, हाजी अली। सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली, हाजी अली। सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली, हाजी अली। सुनने की देर है ना, सुनाने की देर है, इस आस्था पे हाथ उठा।
अली हाजी अली, सुन ले तू बिनती मेरी, हाजी अली हाजी अली, सुन ले तू बिनती मेरी, हाजी अली हाजी अली, सुन ले तू बिनती मेरी, हाजी अली हाजी अली। तूफान में रह कर दिया दुनिया को किनारा, आया हूँ इसी आस पे दे दीजिए सहारा, आया हूँ इसी आस पे दे दीजिए सहारा, आया हूँ इसी आस पे दे दीजिए सहारा। पूरी हुई दुनिया की इसी दर पे मुरादे लौटा everybody, सिटी बैंक को लूटने का इंतजाम हो गया। बिल्कुल सर। लॉकर की चाबी बन चुकी है। निकलने का इंतजाम, ट्रक बाहर तैयार रहेगा। वेरी गुड। ठीक 12 बजे महाराजा चंबलपुर के हीरे उसके लॉकर से निकलकर हमारे जनरल के खजाने में पहुंच जाएंगे। याद रखो, ठीक 12 बजे। 12 बजे से पहले तो वो हीरे हमारी जेब में होंगे। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सेवा तो हम करने आए हैं आपकी। कैसी सेवा? लगता है हेड ऑफिस से फोन नहीं आया आपको। जी नहीं। हेलो, मैं हेड ऑफिस से बोल रही हूँ। आपके पास डॉक्टर खान और डॉक्टर नाथ आने वाले हैं। वो तो मेरे सामने ही बैठे हैं।
सामने बैठे हैं। Oh, I'm very sorry. मैं आपको टेलीफोन करना भूल गई थी। ये डॉक्टर्स हेड ऑफिस से आपके पास भेजे गए हैं पूरे स्टाफ को एंटी टाइफॉइड इंजेक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप इंजेक्शन दे सकते हैं। डॉक्टर खान, आप बाहर शुरू हो जाइए, मैं यहाँ शुरू हो जाता हूँ। तारीफ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डॉक्टर नाथ, डॉक्टर खान, टाइफाइड बहुत फैला हुआ है, अगर आप चाहें तो आपको भी इंजेक्शन लगा दें। एंटी टाइफाइड। इंजेक्शन डॉक्टरों से लगवाया जाता है, बेवकूफों से नहीं। डॉक्टर नाथ, डॉक्टर खान, ऑपरेशन सक्सेसफुल डॉक्टर्स। चलो हेलो 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 09 हेलो 09 ऑपरेशन सक्सेसफुल, हम उन्हें लेकर आ रहे हैं, ओवर। अरे काला दिखता है, अरे काला दिखता है, अरे लगे ले, अरे छोड़ कर लगे ले।
बड़े बड़े बदकाम हम करते हैं, हम हंस के जीते हैं मरते हैं, हर दुनिया में सब हमसे डरते हैं, बड़े बड़े बदकाम हम करते हैं। Thank you for the cooperation. मुबारक हो जदल। आज काम बना, माल भी और चारों दहले भी। उन चारों दहलों को हमारे सामने पेश करो, आज रात को उनकी जिंदगी का फैसला होगा। हमने तो सुना था कि ताश के पत्तों में चार दहले होते हैं, हमें तो दो ही नजर आ रहे हैं। कहाँ है आपका जीन साथी? वो भी यही है। तो सामने क्यों नहीं आ रहे? उनका कहना है माशूक अपने शबाब में करते हैं पर्दा हिजाब में, कैसा जमाना आया देखो कि आशिक खड़े हैं नकाब में। माशूक अपने शबाब में करते हैं पर्दा हिजाब में, कैसा जमाना देखो ये देखो आशिक खड़े हैं नकाब में, हो माशूक अपने शबाब में करते हैं पर्दा हिजाब में, कैसा जमाना देखो
जब अंधेरा ही कर दिया है तो फिर नकाब क्यों पहन रखे हैं? नकाब इसलिए हमने पहने हैं कि आपकी नजरों का एतबार नहीं। जब आप अपनी वफादारी का सबूत देंगे तो ये नकाब खुद ब खुद उतर जाएंगे। नजर से नजर मिलेगी, दिल से दिल मिलेंगे और आप हमेशा के लिए हमारे बन जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत छोटा सा काम। आजकल जो यहाँ का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है बहुत ही ईमानदार आदमी, बस उसका खून, और ये खून तुम करोगे। खून करते वक्त अगर तुम्हारे हाथ कांपे तो हमारे आदमी तुम्हें गोलियों से भून देंगे और तुम्हारे इन तीन दहलों को भी खत्म कर दिया जाएगा। हमारे गैंग में शामिल होने के लिए तुम्हें कातिल बनना होगा, ताकि तुम कानून के सहारे नहीं बल्कि हमेशा हमारे रहम और करम पर रहो। अब कुछ तो कहो अब जवाब में। आई जी का खून खुद अपना जवाब होगा। रहीम, आप क्या, कैसे? मैं इस दलदल में बरसों से फंसा हुआ। क्या? मैं नहीं चाहता था कि तुम इस दुनिया में आओ, लेकिन जब तुम्हारी तकदीर तुम्हें यहाँ ले ही आई है तो याद रखो किसी को मालूम नहीं हो कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन बस ये आईजी साहब का मकान है, रोज की तरह ठीक 15 मिनट के बाद ये घर से निकलेंगे। तुम जी भर के उन्हें देख लेना। वंडरफुल, लेकिन ये 15 मिनट क्या किया जाए? सिगरेट? थैंक यू। सो जा राजकुमारी, सो जा। हे, इतना पुराना गाना क्या गा रहे हो? सो जा मीठे सपने आए, सो जा राजकुमारी, सो जा। शायद वो नहीं जानते कि एक पुलिस वाले के हाथों दूसरे पुलिस वाले को मरवा रहे। अंकल, हम भी कुछ कम नहीं हैं, उन्हीं के जाल में उन्हीं को लपेट रहे हैं। ठीक है, मैं रोज की तरह 7:00 बजे बाग में टहलने निकलूंगा। मेरा पोता एजाज भी मेरे साथ होगा। लेकिन अंकल, आपको एक काम करना होगा। आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकलेंगे, मैं ठीक आपके सीने पर गोली चलाऊंगा। दुनिया वालों के लिए आप मर जाएंगे, लेकिन हमारे लिए सही सलामत रहेंगे। गोली चलाते हुए तुम्हारा हाथ तो नहीं कांपेगा बरखुरदार? ड्यूटी पर सिपाही का हाथ कभी नहीं कांपता अंकल। शाबाश, बाकी सब इंतजाम मैं करवा लूंगा। कल गोली चलने के बाद दुनिया वालों की नजरों में मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, जब तक कि मैं आपको फिर से जीने का हुक्म ना दूं। मेरे मसीहा तो आप तुम ही हो। सुनील, तुम्हारी उन साथियों को तो कोई खतरा नहीं? अंकल, मैं उन सब के लिए सुनील नहीं बल्कि राम हूँ, और खतरा तो हर तरफ से है। वो कैसे? अगर 7:05 पर आप मेरी गोली से न गिरे तो उनके आदमी अपनी गोलियों से मुझे गिरा देंगे और उधर मेरे साथियों को भी खत्म कर देंगे। That's all. बड़े घाक हैं वो लोग, हर तरफ से तुम्हें बांध रखा है। भैया, भैया। भाभी जी, आप? भाभी? किसकी भाभी? कौन सी भाभी? याद है भैया, परसों पहले मैंने अपना बेटा तुमको सौंपा था और तुमने कहा था ये तुम्हारे बेटे के समान है। उसके सर से बाप का साया उठ गया तो क्या हुआ? उसके चाचा तो है,
और वो चाचा तुम हो। क्या किया है सुनील ने? क्या नहीं किया उसने, पहले तो कभी भूले भटके घर आ भी जाता था, अब तो कितने दिनों से लापता है, पूरे 2 महीने हो गए हैं। कहाँ है वो, कहाँ है भैया, मेरा बेटा कहाँ है? आप चुप क्यों हैं? बताओ मुझे कहाँ है वो? किसी जरूरी काम से गया होगा। मुझे तो लगता है मेरा सुनील आवारा हो गया है। जिस दिन मुझे यकीन हो गया ना कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, मैं कह देती हूँ उस दिन मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। नहीं माँ, माँ ऐसा ना कहो, माँ ऐसा ना कहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, माँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ कहाँ था तू? माँ मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा था। माँ मैं उन गुंडों को ढूंढ रहा था जिन्होंने मेरा बाप मुझसे छीन लिया। नहीं झूठ है, तू झूठ बोल रहा है। ना तू अपने भाई को तलाश कर रहा था, ना तुझे अपनी बूढ़ी माँ की फिक्र है, तू आवारा है, तू बदमाश है। माँ तेरे चरणों की सौगंध, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? मैं बताता हूँ भाभी, आपका बेटा सुनील खुफिया पुलिस का ऑफिसर है, ये मेरा दोष है कि उसने ये राज आपसे भी छुपाया। एक राज की बात और, दुनिया के लिए आपके बेटे का नाम सुनील नहीं राम है। ए, चलो गाड़ी चलाओ। गाड़ी? अरे मगर वो आईजी साहब को देखना था। आईजी साहब को देख लिया, 15 मिनट तो कब के गुजर गए, तुम तो खराटे मार रहे थे। चलो सर, गोलियों का असर सिर्फ कमीज पर होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पर नहीं। देखिए सर, गोलियों के निशान सिर्फ कमीज पर है, और अब ये देखिए जैकेट पर बिल्कुल नहीं। गुड, दादाजी ये क्या है? गंदे कपड़े। दादाजी ये लो। ला बेटे। Thank you.
अगर 7:05 पर आप मेरी गोली से ना गिरे तो उनके आदमी मुझे अपनी गोलियों से गिरा देंगे। मुझे जाना ही नहीं होगा, जाना ही होगा। एजाज बरसों पहले एक दोस्त ने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई थी और आज फिर उसी के दिए हुए तोहफे ने हमारी जान बचाई। सर यह सब ऊपर वाले का मौजदा है, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एसपी साहब, सुनील के हुक्म के मुताबिक हमारी मौत का ऐलान कर दिया जाए। हम तुम्हें मान गए राम, दिल से दिल मिल चुके हैं, अब नजर से नजर मिलाओ। जेंटलमैन, आज की ताजा खबर आईजी का खून और आज की खास खबर इनका हमारी महफिल में आना। डॉक्टर अल्बर्टो रोमियो करीम खान, I'm Tiger. किनारे पर क्या चल रहे हो? अंदर आओ, देखें कितने पानी में हो। समंदर में गोता लगाने वाले चुल्लू भर पानी में नहीं तैरते। अच्छा, क्यों उस्ताद, ये तुम्हारा थोबड़ा किसने बिगाड़ा? ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा? ये वाला, बहुत साल पहले एक छोकरे ने बाटली मारी थी। छोकरे ने? तुम एक छोकरे से पिट गए? बड़ा हरामी था ताला, बच कर निकल गया वरना टांग तोड़ देता। लेकिन उस्ताद, वो दूसरा छोकरा कहाँ गया? दूसरा छोकरा? तुम कैसे जानते हो उसे? वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तो तुम हो वो लड़के? बिल्कुल। कहाँ है मेरा छोटा भाई? अगर ना बताऊं तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। कौन दिलवाएगा फांसी? मैं दिलवाऊंगा। जिंदा रहोगे तब ना। Thank you.
तुमने टाइगर का खून क्यों किया? मैंने किसी का खून नहीं किया। आओ मेरे साथ। वो मुझे मार डालना चाहता था। मैंने जो कुछ किया अपने बचाव के लिए किया। तुमने कभी सोचा है कि अगर जनरल को यह बात मालूम पड़ गई तो तुम्हारे साथ हम तीनों भी खत्म कर दिए जाएंगे? यकीन है डॉक्टर? बिल्कुल। उसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई। उसके गले के निशान कुछ और बताते हैं। और जनरल, अब ऐसी मौतें हमेशा हुआ करेंगी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मौत के बाद पब्लिक, प्रेस और पुलिस में वो हंगामा हुआ है जिसे हिंदुस्तान के सब टॉप स्मगलर जेल में बंद कर दिए गए हैं। टाइगर की मौत एक इशारा है जिससे कानून के हाथ कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़ देंगे। लेकिन जनरल, जाएंगे कहाँ? ये तो उस जहाज में बैठने के बाद बताया जाएगा जो हमने आप लोगों के आराम और सैर के लिए चुना है। सफर हमारा साल के पहले दिन शुरू होगा और उम्मीद है कि आप इस सफर में हमारा साथ देंगे। बेशक, हम तो आपका साया हैं। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। हमेशा साथ रहना चाहिए। कब कबाला टैंक बंद, पुलिस बंद, ड्रिंक योर बास्टर्ड, गेट मी अ ड्रिंक क्विक बाल, आई एम कुंफू और आई एम बाल और कुंफू। ये चिट्ठी आज साहब को पहुंचानी है। इधर से जाएगा कैसे? आज रात को मिडनाइट मास है। तुम फिल्मीना के साथ चर्च में जाने की इजाजत ले लो जनरल से और वहां से। पर वो जाने को देगा? ये तो तुम्हारा कमाल है फिल्मीना। मुझे लगता है राम हमसे कुछ चाल चल रहा है और जरूर अपने किसी मतलब के लिए अपनी लड़की को चर्च भेज रहा है। तुम उसके साथ जाने वाली हो, उस पर कड़ी नजर रखना। ओके। और हाँ, ये लो। साहिबा, एक रिक्वेस्ट। ग्रांटेड। हम और फिलोमीना आज चर्च जाना मांगता है। आज हम लोग का उधर में स्पेशल मिडनाइट मास है। आर यू अ क्रिश्चियन? ऑफ कोर्स साहिबा, कैथोलिक। कब कबाला। थैंक यू साहिबा। लड़कियां चर्च जा रही हैं। परमिशन ग्रांटेड। मैं देख रहा के चर्च जाए, चर्च गेट नहीं। ओके। फिलोमीना,
हम अपना जूनियर बॉयफ्रेंड को नया बरस का ग्रीटिंग देने को फोन करता है। देखो हम तो ब्लास्ट वार्निंग देता है, बताओ किसको फोन करता है? पुलिस को। पुलिस को? हाँ, राम पुलिस का आदमी है, सीआईडी का बड़ा ऑफिसर। राम सीआईडी का बड़ा ऑफिसर? हाँ। क्या बात करता है? हम सच बोलता है फिलोमिना, जनरल और उसका साथी स्मगलर लोग है, देश का दुश्मन है। वो लोग मुल्क छोड़कर भागता है, जहाज पर जाने से पहले उन लोगों को पकड़ना मांगता है, इसीलिए हम आईजी साहब को फोन करता है। फिलोमिना अगर हम लोग उनका साथ जहाज पर चला गया तो राम का साथ साथ तुम्हारा रहीम भी मारा जाएगा। तुम जल्दी से फोन करो, हम उनको संभालेगा। टेलीफोन रख दो, तुम दोनों बाहर निकल आओ। मैं कहता हूं वहां से बाहर निकल आओ वरना गोली मार दूंगा। कहां है मेरा भाई जिसे तू बचपन में उठा के ले गया था? मैं कहां है वो? तो पेन ये सब कैसे हुआ? किसने मारा इसे? कुप्पा का बाला, तेरा सोचो किसने? सोच लिया। कौन? मैं हूं रहीम। बेटा तुझे मालूम है कि राम कितने कई दिनों से घर नहीं आया। मैं जानता हूँ उसने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है। और आपका जीना मुश्किल कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मैं आपको राम ही के पास ले जाने आया हूँ। सच? यकीन मानिए आज के बाद वो आपसे कभी जुदा नहीं होगा। कपकबाना याद रखो ये जहाज हमारा है, तुम हमारे मेहमान, और हमारी मेहमान नवाजी तब तक चलती रहेगी जब तक तुम बकोगे नहीं कि तुमने इसे कहां भेजा था, किसे फोन करने के लिए। बताओ 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 किस मिट्टी के बने हो? ये किस मिट्टी का बना हुआ है मैं जानता हूं, ये जान दे देगा लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन इसके मुंह के ताले की चाबी मैं ले आया हूं। राम, मैंने फिलोमिना की लाश पे कसम खाई थी कि मैं तुमसे ऐसा पतला लूंगा कि तुम्हारे खानदान का नामो निशान तक नहीं रहेगा। कौन सा खानदान, कैसा खानदान? अपनी माँ को नहीं पहचानते? किसकी माँ, कौन सी माँ? मैं तो बचपन से यतीम हूँ। ये तो अंधी है लेकिन तेरी तो आंखें हैं, पहचान इसे। रहीम, आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने एक ऐसे जलील और कमीने के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया जिसका हाथ एक अंधी और लाचार औरत पर भी उठ सकता है। जलील कमीना तो वो आदमी है जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ को नहीं पहचानता। शर्म उसे आनी चाहिए जो अपनी माँ के जीते जागते अपने आप को यतीम कहता है। तुम इस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? जो मेरा बेटा ही नहीं वो भला मुझे माँ कैसे कह सकता है? शायद ये औरत सच कर रही है, और अगर ये सच कर रही है तो फिर ये इसकी माँ नहीं, और अगर ये इसकी माँ नहीं है तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? ओए कैरियर नेक्स्ट टू द लॉर्ड, इसको उठाओ और उठा के समुद्र में फेंक दो।
दर्शन। फिलोमीना, फिलोमीना। That's called tuning, my boy. That's called tuning. Very good. Very good. मैं सब कुछ बता दूंगा। मेरी मां को छोड़ दो, छोड़ो मेरी मां को। चुप, रुको। अगर अपनी मां की सलामती चाहते हो तो जल्दी बोलो और सच बोलो। सच ये है कि मैं पिछले 20 साल से तुम्हारी तलाश में भटकता रहा। सच ये है कि मैं तुम्हारी गैंग में इसलिए आया कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। और सच ये भी है कि आज तुम मुझे खत्म कर दोगे। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। सच तो यह है कि तुम अब भी सच नहीं बोल रहे हो। तो सुनो, ये वो औरत है जिसके पति का खून आज से 20 साल पहले तुमने किया था। ये वो औरत है जो तुम्हारी जलाई हुई आग के शोलों में अंधी हो गई। ये वो लड़की है जिसका बाप तुम्हारी जालसाजी की वजह से पागल हो गया था। मैं वो लड़का हूं जिसे तुम्हारे आदमी मेरे छोटे भाई समेत उठाकर ले गए थे, लेकिन मैं बच निकला। और अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो आज तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होता और मैं ये नजारा देख रहा होता। बतौर एक बेटे के मैंने अपने बाप के खून का बदला ले लिया होता और बतौर एक पुलिस ऑफिसर के मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया होता। ये तो बच निकला। इसका छोटा भाई कहाँ है? मैंने उसे मार डाला। बोल, फिर से बोल। मैंने उसे मार डाला। उसको तो तूने मार डाला, लेकिन जिसे तूने बचने दिया वो हमारी मौत बन सकता था। फौज में ऐसी गलती गद्दारी को कहते हैं, और गद्दार की एक ही सजा होती है, और वो है मौत। सब जनरल, मैं जान के बदले में जान मांगता हूँ। क्या मतलब? मैं राम का राज फाश नहीं करता तो आपके गले में फांसी का फंदा होता, और अगर इस ईमानदारी की कोई कीमत है तो मेरे बाप की जान बख्श दो। तुम्हारा बाप? राज पे राज खुल रहे हैं, सीप से मोती निकल रहे हैं। हमने तुम्हारे बाप को छोड़ा इसलिए कि इसने हमें वो हीरा दिया है जिसे हम अपना छोटा जनरल बनाएंगे, लेकिन इस औहदे तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर का खून करना होगा। ये लो रिवॉल्वर। गोली चली तो कयामत हो जाएगी। रहीम, तुम मेरे बेटे नहीं, तुम उस पुलिस अफसर के बेटे हो जिसे 20 साल पहले हमने मार डाला था। तुम इस मां के बेटे हो जिसे हमने अंधी बना दिया है। कप कपाना गद्दार। Thank you.
वाला बंदूक कहलाता हूँ। कमीने कुत्ते को पकाना। हरामजादे को पकाना। Copacabana. Papa! Hey! Bastard, don't help me! I'm a man! 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 आज माँ की एक तरफ राम और दूसरी तरफ रहीम को देखकर कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। बीजी, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मंगल तुम? जी मंगल, हमारी वजह से तुम्हें जो तकलीफ पहुंची उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन मांगना जरूर चाहूंगी। आप हुक्म कीजिए ना बीजी। मेरा सुनील तुम ले लो और अपनी बेटी मुझे दे दो। इंस्पेक्टर साहब, शादी मंजूर है। अच्छा दोस्तों, खुदा हाफिज, अब जन्नत में मुलाकात होगी। ओ बे ओ हरामजादे, You bloody bastard! हमें मरवा के जन्नत के ख्वाब दिखाता है। तू प्रूसे, all right? कपकपाना। लोगों की जुबान पर अपना नाम है पहला, लोगों की जुबान पर अपना नाम है पहला।